नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि फिर आप नहीं वो आपके पीछे भागेगा। क्या ऐसा हम कर दें कि अब आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अब वो आपके पीछे भागेगा विद गारंटी। भागना ही पड़ेगा, वो तरसे आपके लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए। कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उसके लिए रोना ना पड़े, वो रोए आपके आपके आप सामने और आप बोलो कि भाड़ में जाओ। ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल आप करोगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक मिनट भी स्किप मत करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लाइफ में एक अमेजिंग डिफरेंस लाने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले अपने वाइब्रेशन को रेज करो। वाइब्रेशन को रेज कैसे करें, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, हाउ टू रेज वीडियो, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट बता देता हूं आपको कि आपको जो भी चीजें पसंद हो अपने रियल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, उसको करो। गाना सुनना, म्यूजिक देखना, वीडियो देखना, खेलना कूदना, हंसना, गाना नाचना, गाना ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप ये सारी चीजें करो, अपने वाइब्रेशन को रेज करो जो आपको खुद को पसंद है। सामने वाले से मैटर नहीं करना चाहिए कि उसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, भाड़ में जाए। आपको जो पसंद है आप वो करो, ऐसे वाइब्रेशंस को अपने रेज करो। खुश जब रहोगे बिना उसके थॉट के तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप रेज हो जाएगी। रेज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जब आपकी वाइब्रेशन एज कंपेयर टू जिसको आपके पीछे भगाना है, तो ऑब्वियसली जब आपकी वाइब्रेशन उसके कंपेयर में रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो आपके पीछे भागेगा। क्योंकि नियम यही है, जिसकी वाइब्रेशन हाई रहेगी उसकी तूती बोलेगी, जिसकी लो रहेगी उसको पीछे भागना होगा। तो सबसे पहले अपने वाइब्रेशन को रेज करो, उसके बाद उसकी अच्छी आदत को एक्सेप्ट करो। जो भी उसकी अच्छी आदत रही होगी उसकी, उसको एक्सेप्ट करो, और जो बुरी आदत है उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो कि वो गलत है। उसकी अच्छी आदत है कि वो केयर बहुत करता है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, आपको मनाता है, आपको प्यार करता है, आपको डेडिकेशन वो दिखाता है। जब वो था तो ऐसी आदत थी, उसको अपने ऊपर लागू करो, अपने लिए करो ये चीजें, अपनी केयर करो, अपने लिए डेडिकेशन दिखाओ, ये सारी चीजें करो। लेकिन जो उसकी बुरी आदत थी, वो गाली देता था, वो अब्यूज करता था, वो टाइम टाइम पे छोड़ देता था, तो उसको एक्सेप्ट करो कि ये गलत था। कॉन्फिडेंटली आप बोलो, ये नहीं कि अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो छोड़ो ना, आ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा ना, ब्ला ब्ला, नॉट लाइक दिस। आप उसको मानो अपने अंदर से कि ये गलत है, एंड आई विल नॉट लेट इट गो, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये गलत है तो है, दैट्स इट। इसको आप एक्सेप्ट करो विद कॉन्फिडेंस। तो ये जब करोगे ना, तो आप अपने वाइब्रेशन को तो रेज कर ही रहे हो, साथ में आपको अच्छे और बुरे के बीच में पहचान पता लग रही है, और ये पहचान उस तक पहुंचेगी और वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने गलती करी है। आपका कॉन्फिडेंस ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करेगा कि वो सामने आके रोएगा, एक्सेप्ट करेगा, पीछे भागेगा कि मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर दो, तुम अब मेरे साथ रहो। तो पहला मैंने बताया वाइब्रेशन को रेज करो, दूसरा मैंने बताया कि उसकी आदत को, अच्छी आदत को एक्सेप्ट करो, और बुरी आदत जो है उसको कॉन्फिडेंसली अपने अंदर लाओ कि हाँ ये गलत है तो है। ऐसा नहीं है कि आप चाहिए तुम मुझे, तुम कैसे भी वापस आ जाओ, या फिर तुम मेरे पीछे भागो इसलिए मैं चलो मान लेती हूँ, हाँ ठीक है, या मान लेता हूँ, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट लाइक। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, गलत है तो गलत है। उसके बाद गाइज, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रेज करो, सबके लिए, खुद के लिए, उसके लिए, उसके लिए, सबके लिए कॉन्फिडेंस रेज करो। लाइक दिस, कि जो मैं बोल रहा हूं, बोलने के अंदर कॉन्फिडेंस ये आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये गलत है तो है, हाँ ये सही है, सही है तो है, मैं गलत नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी, चाहे सिचुएशन जो भी हो जाए। अपने एटीट्यूड को ग्रो करो, रेज करो, कॉन्फिडेंस को रेज करो। उसके बाद गाइज, अपने आप को स्पेशल फील कराओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके लाइफ में जो शायद होता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे चित्रांगना सिंह की अगर कोई फोटो आ जाए सामने तो इट्स फॉर मी ओनली। अपने आप को स्पेशल फील कराओ, चाहे जैसे आपको पता है कि आप अपने आप को स्पेशल कैसे फील करा सकते हो। जैसे सागर द मोटिवेटर की वीडियो देख रहे हो तो हमको स्पेशल फील होता है, लाइक कर दो अगर अभी तक बने हुए हो तो। गाइज, अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए आपके पास बेस्ट उपाय है। जैसे कोई अगर आपको, आप बाहर निकलो, बाहर निकल के आप किसी गरीब को एक कुछ खाने को दे दो, आप कुछ पीने को दे दो, जो नीडी पीपल है, जिनको जरूरत है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक बलून खरीद को दे दो, एक खिलौना 5-10 रुपए में खरीद लो उनको दे दो, बिस्किट ले जाओ उनको दे दो, खिला दो अपने हाथ से, देखो यार जो फीलिंग आएगी ना, कमाल की फीलिंग होगी, करके तो देखो। मैं कह रहा हूं अगर नहीं आई तो आके यहाँ पे गालियां देना मुझे, मैं एक्सेप्ट करूंगा गालियों को, पर ये करके देखो। ये जो स्पेशल फील कराएगा ना, और आपके कॉन्फिडेंस को भी रेज करेगा, एवरीथिंग आपको लगेगा सुख तो ये है। और जब आप पूरी तरीके से उसको भाड़ में जाओ कह दोगे और अपने आप को प्लीज कम कर दोगे,
तो फिर समझ जाओ कि वो आपके पीछे ऐसे आएगा, पैर पकड़ेगा, मुझे माफ कर दो, एक मौका दो, मेरी जान, मेरी चोना, मेरी मुन्नी को, व्हाटएवर। उसके बाद गाइज आप ऐसे चीजों पर ध्यान दें जो उसके कंपेयर में आपके पास ज्यादा हो। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, पर आपके पास ज्यादा है। जैसे आप अगर कपल में कंपेयर करें तो आप ज्यादा खूबसूरत हो, मे बी आप ज्यादा फिट हो, मे बी आप ज्यादा एजुकेटेड हो, मे बी आप ज्यादा बात कम्युनिकेशन स्किल आपकी ज्यादा अच्छी है, आप ज्यादा पॉजिटिव हो। तो जिस भी चीज में आप उसके कंपेयर में ज्यादा हो, आपको पता है, उस पर ध्यान दो, उस पर अपना ध्यान लाओ और बोलो अपने आप से, यार उससे तो मैं इस चीज में काफी अच्छी हूं और अच्छी हूं, कोई कंपेयर ही नहीं है। लाइक दिस, इस तरह से अपने आप को बोलो, इससे आपके वाइब्रेशन भी रेज होंगे, कॉन्फिडेंस भी रेज होगा, एक एटीट्यूड में डिफरेंस आएगा, परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन साइकोलॉजिकली, आप जब इस वाइब्रेशन को रिलीज करोगे, रेज करोगे, अपने एनर्जी को रिलीज करोगे, ये उस तक पहुंचेगी तो उसको परेशान करेगी कि यार उसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैंने गलत किया, मुझे जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, इस तरह की चीजें होंगी। ये लॉजिक है इसके पीछे की, तो ये आपको करना है। उसके बाद गाइज एटीट्यूड को रेज करो। आपके पास जो भी लोग आते जाते हैं, उनसे बात करो। डजंट मैटर कि जैसे हो गया ना कि अब वो चला गया, अब हम किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम मेरा मन ही नहीं कर रहा है, नॉट लाइक दैट। आप उनसे बात करो, आप अपने जो भी बात शेयर कर सकते हो वो शेयर करो, उनके बात को सुनो। इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। मतलब मैं समझ सकता हूं कि तुरंत से उसको अवॉइड करना इज नॉट पॉसिबल, तो ये इस चीज में आपको मदद करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात इसके पीछे की लॉजिक ये है कि जैसे अभी मैं खाली बैठा हुआ हूं, मैंने सब कर लिया, जो मैंने आप बताया वो आप सब कर लिए, अभी मैं अब खाली बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो उसके थॉट्स आ रहे हैं। उसके थॉट्स निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव है तो फाइन, निगेटिव है तो वो निगेटिव आपको अंदर से और ज्यादा परेशान करेगा। जब आप परेशान हो जाओगे, वाइब्रेशन लो हो जाएगी, तो वो वाइब्रेशन आपको एक निगेटिव एनर्जी देगी। वो एनर्जी, वो निगेटिव एनर्जी उसको और आपके, उसके और आपके बीच का जो रिलेशन है उस पर इम्पैक्ट डालेगा, बॉन्डिंग कमजोर होगी, वाइब्रेशन मैच जो है वो और कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे आप किसी नए लोगों से बात करा आपने, कुछ ऐसे ही, आज खाने में क्या बनाया, दाल चावल बनाया, अच्छा, लाइक दिस, कुछ भी, एनीथिंग। तो उस पर आपका ध्यान रहेगा, जब वहां से निकलोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपके सबकॉन्शियस में फीड हो गई, अब उसके ऊपर भी वो सबकॉन्शियस काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे आप उसके बुरे थॉट से अपने आप को अच्छे थॉट्स में ट्रांसफॉर्म करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। इस तरीके से आप किसी को भी अपने पीछे भगा सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी विथ लॉजिक। कोई तो रोक लो गाइज, कीप लाफिंग, कीप मैनिफेस्टिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।